हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व अध्ययन। मैं संगीता मैम आप सबको स्व अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं बाल महाभारत कथा की पाठ 20 यक्ष प्रश्न। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत्यु से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने तार लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। प्रश्न, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथ ही होता है। प्रश्न, कौन सा शास्त्र विद्या है जो जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? उत्तर, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। प्रश्न, भूमि से भारी चीज क्या है? उत्तर, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है? उत्तर, पिता। प्रश्न, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? उत्तर, मन। प्रश्न, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? उत्तर, चिंता। प्रश्न, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर, विद्या। प्रश्न, घरी में रहने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर, पत्नी। प्रश्न, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? उत्तर, दान। क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। प्रश्न, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। प्रश्न, सुख क्या है? उत्तर, सुख वह चीज है जो सील और सच्चरित्रता पर स्थित है। प्रश्न, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? उत्तर, अहम भाव के छूट जाने पर। प्रश्न, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है? उत्तर, क्रोध के खो जाने से। प्रश्न, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? उत्तर, लालच को। प्रश्न, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पलभर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले,
मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा, वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की दो पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता मार्द्रिका भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे, यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है, वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहां चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए? अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बालिक, दशान, सुरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर हम रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं है। अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। इस पाठ में हमने यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ा। ये बहुत ही ज्ञानदायक विषय था। हमारा अगला पाठ है अज्ञातवास। अज्ञातवास के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।